अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ख्वाजा सराओं ने पूरे पाकिस्तान में एक किस्म का तहलका मचा के रखा हुआ है। लोग तो कहते हैं धूमें मचा के रखी हैं, लेकिन इन लोगों ने नाजायज़ कामों में भी काफ़ी ज़्यादा धूमें मचा रखी हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा मुखालिफ इसी चीज़ के हैं। बहरहाल आज की वीडियो आप ज़रूर आखिर तक देखिएगा, ज़रूर लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ज़रा देखिए यहाँ क्या चल रहा है। आप जितना आप लोगों को किसी ने वोट नहीं दिया ना, उतना हम लोग को आपने वोट दिया। आप वो वाले तो नहीं है GHQ वाले? नहीं नहीं, वो शिमिल थे ही नहीं। अच्छा, वो कौन थे? ये न्यू लीग वालों ने, पहले वीडियो बना लो अपलोड कर, ये न्यू लीग वालों ने। तो दोस्तों देखा आपने, सुना आपने कि एक ख्वाजा सरा गाड़ी में तहरीक इंसाफ के एक शख्स से डिस्कशन कर रहा है कि नून लीग वालों ने हमला करवाया था तहरीक इंसाफ वालों पे, जहाँ पे उन लोगों के लिए मुसीबत बनी, खासकर रऊफ हसन पे हमला हुआ, उससे पहले पुलिस वालों के दफातर पे हमला हुआ, लोगों के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे इस किस्म की बाज़ दफ़ा चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमलावर हुआ जाता है बाज़ दफ़ा लोगों की इज्जतों पर, और बाज़ दफ़ा लोग ख़ुद भी इज्जत नीलाम करते कौम लूत की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए इन लोगों के ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कम अज़ कम गलत कार्यों में अगर ये लोग मुलव्वस हैं, जो लोग फेक हैं असल में, जो इज्जत की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते बल्कि कौम लूत वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं या इंतशार का बायस हैं, उनके खिलाफ लाजमन एक्शन होना चाहिए। और जो हक और सच पर डटे हुए हैं और बेहतर लोग हैं, उन्हें कम अज़ कम अवाम में पसीराई मिलनी चाहिए। आप अपनी राय दीजिएगा, सवाल से ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लें।